बोलो माँ चंद्रघंटा मैया की जय। चंद्रघंटा मैया का प्रिय प्रसाद है दूध और प्रिय फल है केला। और आज मैं बना रही हूँ सवई के चावल से बहुत ही टेस्टी खीर, जिसमें मैं केले का उपयोग करूँगी। तो सबसे पहले हम सवई के चावल को आधे से घंटे के लिए भिंगो लेंगे, फिर दूध में डालेंगे सवई का चावल और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारे चावल एक तरफ पक रहे हैं, तब तक हम मिक्सी जार में दो केले कट करके डालेंगे। उसमें डालेंगे आधी कटोरी से एक कटोरी दूध और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमें बार बार चावल को चलाते रहना चाहिए ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से पके। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा देसी घी और उसमें डालूंगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। साथ ही में मैं चावल को भी चेक करूँ कि पके हैं या नहीं। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से, तो हमारे चावल भी पक गए हैं आधे, तो उसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, उसको भी हम डालेंगे। साथ में डालेंगे चीनी और उसमें हम ऐड कर देंगे अपने केले और दूध का जो मिश्रण था वो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। साथ ही मैं ऐड करूँगी आधी चम्मच देसी घी और, ताकि जो स्वाद हो वो खुल गया है। साथ में मैंने ऐड कर दिया केसर की कुछ केसर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक और पका लेंगे। और हमारा टेस्टी यम्मी सवई की खीर बन के बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।